भाजपा ने मंगलवार को नालंदा जिले में चलो गांव की ओर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य गांवों में पार्टी की पहुंच और आधार को मजबूत करना है। अभियान की शुरुआत भाजपा के नालंदा जिला कार्यालय में एक कार्यशाला के साथ हुई। कार्यशाला में क्षेत्रीय प्रभारी जितेंद्र नीरज ने कहा कि भाजपा सिद्धांत की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिला अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा पहले केवल शहरों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज गांवों में भी पार्टी की पहुंच मजबूत हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने में भाजपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाजपा नेत्री आश्रिति पटेल ने कहा कि गांव के गरीब, पीड़ित और वंचित लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से भाजपा गांवों में जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताएगी, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी। कार्यशाला में मंडल स्तर पर प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। इन प्रभारियों और सह प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अपने मंडल में अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य करें। आज कार्यक्रम किस बारे में चर्चा की गई? आज हमारी ये जो बैठक है, इसका उद्देश्य था, ये कार्यक्रम है गांव चलो। तो हमारे जो वोटर्स हैं, हम जो चुनाव जीतते हैं, वो हमारे गांव के जो वोटर्स हैं, जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके पास हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी योजनाएं पहुंचाई हैं, जो लाभ पहुंचाया है, तो क्या उन्हें वो लाभ मिला, तो कितना मिला, किन्हें नहीं मिला? जो हमारे वोटर्स हैं, कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं है किसी कारण से? जो हमारे पुराने साथी हैं, कहीं वो हमसे तो नाराज नहीं हो गए हैं किसी भी कारण से? किसी और दल के साथ तो उनका जुड़ाव नहीं हो गया, या हमसे कोई टकराव तो नहीं हो गया? हमारे खुद के कोई साथी हमसे नाराज तो नहीं है? हमारा जो वोटर लिस्ट है, वो सही से बना हुआ है कि नहीं है? तो जो भी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो हमारे काम छूट गए हैं, हमें उन कामों को करना है सुचारू रूप से। वो कैसे होगा? वो गांव से ही होगा, शहर से भी होगा। तो हमें नगर से लेकर गांव तक के सभी हमारे जो जनता है, जो हमारे वोटर्स हैं, उन्हें हमें जोड़ना है। और उसके लिए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हम सभी गांव की ओर कूच करेंगे और अपने सभी ग्रामीण लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उनका समाचार लेंगे, उनका हाल समाचार पूछेंगे, और जो भी उनकी उन तक हम लोग जो भी पहुंचा सकते हैं सुविधा, वो पहुंचाने की, आगामी चुनाव को देखते हुए ही नहीं, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि हमें सभी को खुश करना है, हमें कोई वंचित नहीं चाहिए, हमें कोई भी गरीब नहीं चाहिए हमारे देश में, तो उसको लेकर हम उन्हें संतुष्ट कर पाएँ, हमारे ग्रामीणों को संतुष्ट कर पाएँ, इसी उद्देश्य से हमें अपने बूथ को और अपने ग्रामीणों को साथ लेकर चलना है मजबूती से। इसी उद्देश्य से आज हमने यह कार्यशाला की तरह यह बैठक रखी है।